डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बोलती मेरे देश की अंतर सब ठीक ना? मैं आपका संवाददाता लालदीन लायर, कैमरामैन जीनी के साथ आप देख रहे हैं बकचोदी की पाठ साला। आज हम बकचोदी करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिस देश में एक नए क्रिएटर ने जन्म लिया है जिसका नाम है कच्चा धारी। इस गांडू के लंड के पास बेचारे के पास पैंट नहीं है सिवाय कच्चे में ही घूमता फिरता है और जहां मन बनाता है वहां वीडियो शूट करने लगता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, कान में ईयरफोन्स डाल लो, तो शुरू करते हैं आज की ये बकचोद भरी वीडियो लेकर बकचोद वाले बाबा का नाम। और यार वीडियो को पूरा देख कर जाना, तुम लोग पूरा नहीं देखते हो है? भाई का ऑडियंस टेंशन खड़ा हो जाता है, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर दो यार, इतनी मेहनत करता हूँ। आइए देखते हैं से मलाएगा। अबे तमें तमें, अगर दो नंबर लग रही है तो पब्लिक शौचालय में जाके हल्का ओले बीच रोड पे क्यों है? हैं, बेचारी जनता भी परेशान हो जाती है और कच्चा तो इस तरीके से पहन रखा है लगता है जैसे थैले भर हग रखा हो। मुझे तो समझ नहीं आती यार कि बांग्लादेश सरकार इन जैसे कंटेंट क्रिएटरों को वीडियो बनाने की इजाजत कैसे दे देती है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं इन लोगों को सुबह शाम लंड फेर की मार दूं, वो भी एक सांस में है। ये कंटेंट क्रिएटर बांग्लादेश को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बेचारा इतना अच्छा देश है यार, पड़ोसी मुल्क है हमारा। तभी मैं कहूँ यार बांग्लादेश में क्रिकेटर इतने कमजोर क्यों हैं? क्योंकि ऐसे कंटेंट क्रिएटरों की वीडियो देखते हैं और वो बेचारे मैच में हगने से पहले अपनी फील्डिंग में ही हग देते हैं। साले खुद तो शर्म कर लो। धमसान की जली हुई लकड़ी, क्यों अपने बाप का कच्चा चुरा के बीच चौराहे पे वीडियो बना रहे हैं? अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो अपने बाप के कच्चे की इज्जत का तो ख्याल कर ले, क्यों उनके कच्चे की बेइज्जती कर रहा है? वो भी बीच चौराहे पे हैं, जल्दी घर को चला जा, बेचारे तेरे बाप काम पे नहीं जा रहे हैं कि बेचारा मेरा कच्चा कहाँ चला गया जो रोज सुबह मुझे मोटिवेट करता है। अबे जल्दी चला जा, बेचारे बाथरूम में कहीं ना रह गए, मेरा कच्चा कहाँ चला गया? ए भाड़ू, कच्चा चोर, कच्चा चोर है तू, कच्चा चोर। वाह खराब हो जाएगा, मैं वाह अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। बे मीठे कच्चाधारी हैं, अपने बाप के कच्चा चुराने से तेरा मन ना भरा जो अपनी अम्मा की साड़ी भी चुरा के ले आया है? चाहता क्या है कि बांग्लादेश सरकार तुझे मीठा कच्चाधारी घोषित कर दे? यार मुझे समझ नहीं आती, एक तो कि भारत सरकार तो माना कि चलो चलता है कि यहाँ कंटेंट क्रिएटर भरे पड़े हैं, पर बांग्लादेश सरकार इन जैसे नमूनों को कैसे झेल रही है समझ नहीं आता। तभी बेचारी आज तक बांग्लादेश एक भी मैच क्यों नहीं जीतती है, ना ही वर्ल्ड कप जीत पाती है, क्यों? क्योंकि बेचारे मैच होने से पहले इन जैसे झाटुओं से मोटिवेट होके जाती है, बेचारी जीतेंगी तो जीतेंगी कहाँ से? झाटू क्यों बांग्लादेश की मर्द जाति पे कलंक बना हुआ है? कुछ तो शर्म कर ले कुछ तो, अगर इतनी भी शर्म हो तो कच्चा उतार के अगली बार वीडियो बना लिए है झाटू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, अगर आपको ये बकचोदी पसंद आई हो तो लाइक करना और बकचोद सा कमेंट भी कर देना, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने बकचोद दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी बकचोद बड़ी छोटी छोटी रोस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड टेक बाय, और यार बन के सब्सक्राइबर करा दो प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि अगली बार किसको रोस्ट मारूँ और ना मारूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय। नहीं नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।